दिस वन इज ऑल्सो वेरी इजी. ओके, इस सवाल में क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 45 ईयर्स. 5 ईयर्स अगो, अरे तो फादर की सन, फादर की एज एफ ले लो, सन की एज एस ले लो, ठीक है, या आप एक्स और वाई करके भी ले सकते हो अगर बच्चों को कन्फ्यूजन है. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई ले लेते हैं. फादर को मैं एक्स ले लेता हूँ, ठीक है, सन को मैं वाई ले लेता हूँ. ठीक है, फादर इज एक्स ईयर्स, सन इज वाई ईयर्स. ठीक है, तो आपको क्या दिया है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, तो एक्स प्लस वाई आपको दिया है 45. ठीक है, फादर और सन की एज 45, तो दिस इज नंबर वन पॉइंट. उसके बाद 5 ईयर्स अगो, तो पहले मैं 5 ईयर्स अगो वाली कंडीशन लिख लेता हूँ. ठीक है, तो 5 ईयर्स अगो फादर विल बी एक्स माइनस फाइव, सन विल बी वाई माइनस फाइव. ओके, तो माइनस फाइव कर देंगे क्योंकि 5 साल पहले की बात हो रही है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 टाइम्स. एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस का मतलब है फादर इंटू सन, 5 ईयर्स अगो की बात हो रही है. द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वॉज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द फादर्स एज एट दैट टाइम. सो द फादर्स एज एट दैट टाइम, ठीक है. सो एफ इंटू एस विल गोइंग टू गिव मी 4 इंटू एफ. इसमें जो फादर की एज होगी दैट विल बी 5 ईयर्स अगो, सन की भी एज होगी 5 ईयर्स अगो. ठीक है, बस ओके. सो 5 ईयर्स अगो फादर इंटू सन, 5 ईयर्स अगो की कंडीशन है, तो 5 ईयर्स अगो वाली एज लिखूंगा. द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस वॉज 4 टाइम्स द फादर्स एज एट दैट टाइम. फादर इंटू सन हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, फादर इंटू सन इज वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू 4 टाइम्स, 4 इंटू फादर्स, फादर कितना था एक्स माइनस फाइव दैट टाइम. ओके, सो द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली, आपको एक्स और वाई निकालना है. एक इक्वेशन तो आपके पास है ही, इसको सॉल्व करोगे इट विल गोइंग टू गिव यू एक्स वाई माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव वाई प्लस 25 इज इक्वल टू 4x माइनस 20. अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स एक्स एक तरफ ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5x. राइट साइड वाली वैल्यूज मैं पहले लिख रहा हूँ. 4x माइनस 5x को राइट साइड में ले जाऊँगा तो ठीक है. ओके, ठीक है, तो x माइनस फाइव को हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दिस x माइनस फाइव, x माइनस फाइव विल गेट कैंसिल. ओके, वेरी गुड. सो दिस विल गोइंग, ये कितना जाएगा, y माइनस फाइव इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू आ गया 9. y 9 का मतलब क्या है, y कौन है, सन की एज आ गई 9. पुट दिस वैल्यू हियर इन दिस इक्वेशन. x कितना जाएगा यहाँ पर, 45 माइनस 9 36. ठीक है, तो सन की एज आ गई 9 ईयर्स और फादर की एज आ गई 36 ईयर्स. ओके,